नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में आज प्रशासनिक बैठक हुई संपन्न। बैठक में तहसीलदार राजेंद्र मीणा, पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह यादव, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा, भवानी मंडी के सभी BLO के साथ एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें वार्ड वाइज रजिस्टर द्वारा परिवार का मुखिया, उनके मोबाइल नंबर, COVID-19 वैक्सीन लगाने को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई। ऐसे में अभी उन्होंने बताया कि 40 वार्डों का परिसीमन हो चुका है, ऐसे में हमें आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी महिला की मदद लेनी चाहिए, उनको साथ लेकर ही परिवार की पूरी डिटेल की जानकारी मिल पाएगी। ऐसे में गोपीचंद मीणा ने कहा कि वार्ड के पार्षदों को मिलकर साथ काम करना होगा और उनके मतदाताओं को उनके नाम का डाटा कलेक्ट कर कोई भी व्यक्ति के बारे में उनको समझाइश करनी होगी। ऐसे में सभी पार्षद व वाइस चेयरमैन अनिल वर्मा, वीणा मेहरा, पार्षद प्रदीप जैन, पिंटू जायसवाल, संजय गुजर आदि जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद। केस भवानी मंडी में नहीं है, उसके बाद जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन अभियान की जो तेज गति जो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब कर रहे हैं, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए, उस इस तरह को लेकर सर आज मीटिंग में क्या BLO से मीटिंग की है, क्या आदेश दिए, उनको निर्देश दिए? जैसा कि आपको विदित है, पूरे देश में जब सेकंड वेव COVID-19 की आई तो बड़ी घातक साबित हुई। पिछले 2 महीने से हमारी पूरा समाज उससे जूझ रहा था और बड़ी मुश्किल से आज के दिन उभर पाया है जी। और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि सेकंड वेव से बचने के लिए किस तरीके से वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। इसी क्रम में श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा और SP साहब द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप एक मीटिंग जनप्रतिनिधि और BLO की लेकर लोगों को मोटिवेशन के माध्यम से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इस संबंध में आज एक मीटिंग आयोजित की गई। इसके लिए भवानी मंडी अर्बन एरिया में 6 या 7 वैक्सीनेशन पॉइंट बनाए जाएंगे जी, और उस पर पर्याप्त मेडिकल की टीम रहेगी। 1 या 2 दिन के बाद भवानी मंडी उपखंड में मास स्केल पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इस संबंध में आज मीटिंग ली गई थी जो काफ़ी पॉजिटिव रही। पिछले 2 माह से भी हम लोग पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग लगातार पूरे अर्बन एरिया और ग्रामीण एरिया में घूम फिर के हम लोग जिस तरीके से मीटिंग आयोजित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के बारे में जो उनको प्रोत्साहित किया, उनको समझाइश की, तो काफ़ी हद तक आज हम सुखद स्थिति में हैं। सर, वो वार्ड वाइज जो एंट्री डाटा कलेक्ट करने के लिए जो रजिस्टर आज उपलब्ध कराए गए हैं BLO को, वो सिस्टम क्या है? हमारे उपखंड लेवल पर SDM साहब, मेरे द्वारा, CA साहब, तहसीलदार जी और EO साहब, BDO साहब द्वारा हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं एक एक आदमी का विवरण हमारे पास अवेलेबल हो जी, जी। इसके लिए हमने एक 300 पेज का एक रजिस्टर बनवाया और उस रजिस्टर में जो आवश्यक चीज़ें थी जो कोरोना गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में थी जी, उसका एक परफॉर्मेंस डिसाइड किया था और वह हमने रूरल एरिया में सभी 27 ग्राम पंचायत के में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और आज भवानी मंडी में जो BLOs हैं। भवानी मंडी NSUI के तत्वाधान में COVID-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। NSUI ब्लॉक अध्यक्ष समकी जैन ने बताया कि डॉक्टर राहुल आचोलिया, GNM अनीस मोहम्मद, हेमंत सरंगी व नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से 250 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई। इस दौरान कल्पेश कटारिया, मोहम्मद सोहेब, आदित्य राज भावसार, समीर मंसूरी, नमन जैन, नौमान खान आदि कार्यकर्ता रहे मौजूद। चौमेला उनेल थाने के बामन देवरिया गांव में स्कूल के यहां पानी भरने गई विवाहिता, बिजली के तार टूटे पड़े की वजह से करंट फैलने से चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए उनेल थाना अध्यक्ष भवत सिंह ने बताया कि डॉक्टर रौनक कुलार की सूचना पर हम CHC चौमेला पहुंचे और परिजनों की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि रीना पत्नी विनोद निवासी बामन देवरिया उम्र 34 वर्ष की सुबह स्कूल परिसर में बनी पानी की टंकी पर पानी भरने गई। वहां पर 11,000 KV का तार टूटा पड़ा था, करंट की चपेट में आने से अचेत हो गई, जिसको परिजन CHC चौमेला लाए, जहां पर डॉक्टर ने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा कर सब परिजनों को सौंप कर अनुसंधान प्रारंभ किया है। तार विवाह के कारण थी तो सब जा मर रहा, कल परसों कहीं वहाँ पे बड़का मर गयो,
अपने मरिया हर जगह पुराना तार की मस्जिद मतलब बिजली विभाग की लापरवाही थे तो मनी सब तो क्या मामला ये बामन दरिया की बाउंड्री का जल लेने के लिए गए थे स्कूल के वहाँ तो डायरेक्ट 11,000 के वोल्टेज की लाइट का तार टूटा हुआ था। तो ग्राम पंचायत लायफल के तीनों गाँव लायफल चमलासा हीचर की अवरुद्ध नालियों की सफाई कराएगी। सरपंच अर्जुन कुमार सुमन ने बताया कि नालियों में बहुत कचरा भरा हुआ था जिसके कारण पानी सड़क पर फैल रहा था, आने जाने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था तथा बरसात का मौसम आने वाला है इसलिए बरसात से पहले ही सफाई कर्मियों द्वारा नालियों की सफाई कराई गई, अब आने जाने वालों को राहत मिलेगी। कनवास के मोरूकला में आबादी क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर व खेल मैदान की भूमि पर गंदगी अतिक्रमण की लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर कनवास एसडीएम राजेश डागा ने मोरूकला गांव का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा कई स्थानों पर मार्ग का पत्थर बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। मौके पर सरपंच ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बुधवार को प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाया जाए। इससे पूर्व सभी अतिक्रमियों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने हेतु अवगत कराया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के चार दीवारी और दरवाजे के आसपास अतिक्रमण को अपने अतिक्रमण स्वयं हटाकर पत्थर ले जाने के लिए समझाइश की गई। कनवास एसडीएम राजेश डागा द्वारा वृक्षारोपण करने के लिए अपना पेड़ अपना खेत अपना लाभ के तहत एक अभियान कर पहल शुरू की गई थी। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए उपखंड क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए कनवास क्षेत्र के सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृक्षारोपण करने व उसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। मानव का जीवन बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता। वृक्ष के बिना मानव जीवन का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं। बैठक में सभी प्रधानाचार्यों और वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। विद्यालय को पौधों विकास अधिकारी के माध्यम से वन विभाग ₹1 प्रति पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान में सभी प्रधानाचार्यों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण की बात कही गई और प्रेरित होकर अपने अधीनस्थ विद्यालयों के परिसरों में खेल मैदानों की बाउंड्री पर वृक्षारोपण करने की घोषणा की गई और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए संकल्प भी लिया गया और प्रेरणा से कनवास क्षेत्र की 18 पंचायतों में सभी पंचायत प्रारंभिक अधिकारियों ने 1350 वृक्षारोपण करने की घोषणा की गई। अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र की खबरों की। सीतामऊ थाना पुलिस ने एक महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी 12 घंटे के अंदर ही सुलझाई। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। सोमवार को मंदसौर जिले के थाना सीतामऊ के क्षेत्र में हुए अधिविक्षिप्त महिला के अंधे कत्ल का थाना सीतामऊ पुलिस टीम के द्वारा 12 घंटे के भीतर ही किया गया पर्दाफाश। पुरानी रंजिश रही हत्या की वजह। मृतिका के लड़के के द्वारा आरोपी की भांजी के साथ लव मैरिज करने से आहत होकर आरोपी द्वारा महिला के परिवार से रंजिश रखते हुए आरोपी बाबूलाल पिता कचुरूलाल सूर्यवंशी ने अपने दोस्त पप्पू बलाई के साथ मिलकर दिया था हत्या की घटना को अंजाम। घटना से पूर्व आरोपी पप्पू लाल ने मृतिका के साथ बलात्कार किया, बाद में उसे गला दबाकर मार दिया गया। पुलिस टीम के द्वारा एक आरोपी पप्पू लाल बलाई को गिरफ्तार किया गया। घटना में फरार एक अन्य आरोपी बाबूलाल सूर्यवंशी की तलाश जारी। पुलिस द्वारा थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 508/21 धारा 302 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। ग्राम टाटका जो कि थाताखेड़ी चौकी अंतर्गत आता है, इसमें एक महिला का शव उसके घर के बाहर आंगन में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल सीतामऊ थाने के थाना प्रभारी श्री दिनेश प्रजापति, चौकी प्रभारी थाताखेड़ी जितेंद्र सिंह एवं उपनिरीक्षक सत्यन सैनी तत्काल मौके पर पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। हम स्वयं गए एवं चूँकि महिला संबंधी मामला था, गंभीर प्रवृत्ति का था, आरोपी अज्ञात दिख रहे थे और प्रथम दृष्टया उक्त तो मामला जो है हत्या संबंधित प्रतीत हो रहा था। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौके पर पधारे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ताणेकर साहब के मार्गदर्शन में सूक्ष्म विवेचना की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त मृतिका का पुत्र संजय गांव के ही रहने वाले बाबूलाल की भांजी के साथ में भागकर उसने शादी कर ली थी। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में आक्रोश था एवं घटना के दो दिन पूर्व ही संजय बाहर से गांव में आया था, जिसे बाबूलाल द्वारा यह कहा गया था कि तूने मेरी भांजी से भाग के शादी की है, इसके बदले में मैं तेरी
परिवार को ख़त्म कर दूंगा। इसी तारतम्य में 19 तारीख की रात्रि में बापूलाल और उसका साथी पप्पूलाल दोनों मृतिका के घर के पास मोटरसाइकिल से गुजरे, जिस पर से मृतिका द्वारा यह कहा गया कि इस तरह से तेज आवाज़ मत करो, नींद में खलल हो रहा है। उक्त बात से आरोपी बापूलाल और पप्पूलाल ने मृतिका को पकड़कर बाहरी सोते में उसका गला दबाया। एक आरोपी द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया एवं जब उन्हें लगा कि अब ये इस चीज़ को और बता देगी तो इस पर से उन्हें उनके द्वारा उस गला दबाकर महिला की हत्या कारित करके घटनास्थल से दोनों भाग गए। सूक्ष्म विवेचना करने पर उक्त सारी चीज़ें सामने आई। एक आरोपी को शीघ्र ही लगभग 8-10 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके उसका खुलासा पूरे घटनाक्रम का कर लिया गया। गरौड़ जनपद के गांव साठखेड़ा में ग्रामवासियों के बहुत पुरानी समस्या बस स्टैंड से नई आबादी की तरफ रहर नाला निर्माण का निराकरण होकर इस नाला निर्माण का भूमि पूजन आज क्षेत्र के विधायक देवीलाल ढाकर, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन जैन, जिला पंचायत सदस्य रंजना पंडा, मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पंडा, महामंत्री श्याम सुंदर सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सादगीपूर्ण कार्यक्रम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक देवीलाल ढाकर ने कहा कि यह नाला निर्माण निश्चित तौर पर साठखेड़ा गांव में स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा और 2019 में गांव में भीषण जल भराव जैसी स्थिति अब नहीं बनेगी। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। फ्री फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे, बन जारा रे रे। आनूर दे चरा है मामला अब जाको साहेब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जा रहा रे, बन जा रहा रे।